हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का लेसन है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो टेंस होते हैं जिनके लास्ट में चुका है, चुकी है, आज शब्द लगे होते हैं, और जिनके लास्ट में किया है, दिया है, आज शब्द लगे होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट मीन्स क्या होता है? पूर्ण, कंप्लीट। उसने जे काम कर लिया है, वह खाना खा चुका है, मोहन टीवी देख चुका है, सीता गाना गा चुकी है। इन वाक्यों के अंत में क्या लगा हुआ है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, आज शब्द लगे हुए हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इनके अफर्मेटिव रूल्स क्या होते हैं? हामवाचक, सब्जेक्ट। क्या होते हैं? सब्जेक्ट। पहले, सबसे पहले क्या लगता है? सब्जेक्ट। बाद में हेल्पिंग वर्ब लगती है, हैज हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। क्या लगा होता है अफर्मेटिव रूल में? पहले, सबसे पहले सब्जेक्ट, हैज हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। एक बात अच्छे से जान लो, जो भी परफेक्ट टेंस होते हैं उन सभी में वर्ब की थर्ड ही फॉर्म लगती है। कौन सी वो फॉर्म लगती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही, शी, एनी नेम के साथ क्या लगता है? हैज़। हैज़ क्या है? हमारा हेल्पिंग वर्ब। इसके साथ हम क्या लगाते हैं? हैज़। दे, वी, यू, आई के साथ हम लगाते हैं हैव। क्या लगाते हैं? हैव। क्लियर? जो सिंगुलर हो उनके साथ हैज लगाते हैं, जो प्लूरल हो उनके साथ हैव। आई वैसे सिंगुलर है, इसके साथ भी हम हैव लगाते हैं। गॉट इट? यू वी सिंगुलर है, पर इसके साथ भी हम क्या लगाते हैं? हैव। क्लियर? एग्जाम्पल, माई फादर हैज वर्क इन दिस ऑफिस। मेरे पिताजी जहाँ काम कर चुके हैं, मेरे पिताजी जहाँ काम कर चुके हैं। माई फादर क्या है? हमारा सब्जेक्ट, रूल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट। हैज क्या है? हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। वर्क, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इन दिस ऑफिस, ऑब्जेक्ट। क्लियर? मेरे पिताजी जहाँ काम कर चुके हैं, मेरे पिताजी क्या हुआ? सब्जेक्ट। मेरे पिताजी जहाँ क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट। काम क्या है? हमारा कर चुके हैं। काम कर चुके हैं क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? मेरे पिताजी जहाँ काम कर चुके हैं, नोट कर रहे हैं, कर चुके हैं। ही हैज रीच्ड होम। वह घर पहुंच चुका है, वह घर पहुंच चुका है। क्लियर? मीनिंग, सबसे पहले क्या लगेगा? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैज। सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं? हैज। रीच्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। होम क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट। नेगेटिव रूल्स जे तो है एफर्मेटिव, हाँ वाचक। नेगेटिव कैसे बना सकते हैं? नेगेटिव में जस्ट सिंपल नोट ही एक डिफरेंस है, बाकी सारा सेम है सेंटेंस। सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट। हैज, हैव, है सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ हैव। नोट, नेगेटिव फॉर्म, नामवाचक। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? जहां पर क्रिया कौन सी लगेगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि जे परफेक्ट है। परफेक्ट में हम क्या लगाते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट लास्ट में क्या लगाते हैं? ऑब्जेक्ट। क्लियर? एग्जाम्पल, आई हैव नॉट कंप्लीटेड होमवर्क। आई हैव नॉट कंप्लीटेड होमवर्क। आई, आई क्या है हमारा? सब्जेक्ट। हैव क्या है हमारा? हेल्पिंग वर्ब। नॉट, नेगेटिव फॉर्म। कंप्लीटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। होमवर्क, ऑब्जेक्ट। क्लियर? सबसे पहले जहाँ क्या लगेगा? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैव, नॉट, नेगेटिव फॉर्म, नामवाचक जिन्हें बोलते हैं, कंप्लीटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, होमवर्क क्या है? ऑब्जेक्ट। क्लियर? माई मदर हैज फिनिश्ड हर वर्क। माई मदर हैज फिनिश्ड हर वर्क। माई मदर, सब्जेक्ट, हैज,
हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब, जहाँ हम क्या लगाएंगे? नोट. माई मदर हैज नोट फिनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म. हर वर्क, हर वर्क क्या होता है? ऑब्जेक्ट. क्लियर? मेरी माँ ने अपना काम नहीं कर लिया है, नहीं कर चुकी है. राज हैज नॉट ईटन फूड. राज क्या है? हमारा सब्जेक्ट. हैज क्या है? हेल्पिंग वर्ब. नॉट क्या है? नेगेटिव फॉर्म. ईटन क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म. ऑब्जेक्ट फूड. क्लियर? राज ने खाना नहीं खा लिया है. क्लियर? राज हमारा क्या है? सब्जेक्ट. ने खाना, खाना क्या है हमारा? खाना क्या है? ऑब्जेक्ट. नहीं क्या है? नेगेटिव फॉर्म. खा लिया है वर्ब की थर्ड फॉर्म, मीनिंग वर्ब, क्रिया. यू हैव नॉट गोन टू मार्केट. यू हैव नॉट गोन टू मार्केट. तुम मार्केट. यू पहले क्या होगा हमारा? यू क्या है? सब्जेक्ट. हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब. नॉट नेगेटिव फॉर्म. गोन वर्ब की थर्ड फॉर्म. मार्केट क्या है? ऑब्जेक्ट. इसे हम हिंदी में कैसे लिख सकते हैं? तुम मार्केट नहीं जा चुके हो. तुम मार्केट नहीं जा चुके हो. क्लियर? ये तो है हमारा नेगेटिव. नाउ इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव के क्या रूल होते हैं? जहां पर क्या लगाया जाता है? सेम. इंटेरोगेटिव क्या होता है? प्रश्नवाचक. हैव फर्स्ट. सेम हैव सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ. सब्जेक्ट बाद में, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट. क्लियर? ये हो गए इंटेरोगेटिव रूल. एग्जाम्पल, हैज ही वर्क देयर. हैज ही वर्क देयर. हैज हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब. ही वर्क देयर. ही हमारा है सब्जेक्ट. वर्क वर्ब की थर्ड फॉर्म. देयर ऑब्जेक्ट. क्या उसने काम कर लिया है? क्या उसने काम कर लिया? क्या उसने जहाँ काम कर लिया है? हैव राम एंड श्याम प्लेड मैच. क्या राम और श्याम मैच खेल चुके हैं? हैव हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब. हैव क्यों लगाया है? क्योंकि राम एंड श्याम दो व्यक्ति हैं, प्लूरल है. राम एंड श्याम सब्जेक्ट. प्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म. मैच क्या है? ऑब्जेक्ट. क्या राम और श्याम मैच खेल चुके हैं? इसे हम हिंदी में कैसे लिख सकते हैं? क्या राम और श्याम मैच खेल चुके हैं? ओके, क्लियर? दिस इज इंटेरोगेटिव.